दोस्तों यह है अंधेरी रेलवे स्टेशन। अंधेरी यह है यहाँ का बाहर का सीन। यहाँ से भी ट्रेन मिल जाएगी। अब क्या करें, ऐसे यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं हूँ भी ऑटो ऑटो एक्सप्लोर करने वाला। दोस्तों अभी मैं हूँ अंधेरी ईस्ट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ का बस स्टैंड है। अभी मुझे जाना है जुहू बीच पर, मुझे बस मिली जो है। दोस्तों मैं रिक्शा ले लिया जुहू बीच के लिए। यहाँ से बताओ एड्रेस बता देंगे क्या है। तो फाइनली दोस्तों मैं जुहू बीच पहुँच गया। पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट का लगा टाइम अंधेरी बीच पे रिक्शा से यहाँ पर आने के लिए। कुछ इस तरह का बीच है, आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, तो भाई कुछ इस तरह का बीच है जुहू बीच। बीच जेता बीच होता है, इतना इधर ज्यादा रश नहीं है। हमने बीच जेता बीच होता है। ओ भाई हम वहाँ पे थे ना भाई, वहाँ पे थे उधर उधर बहुत कान ला नहीं पता चल। वो वहाँ थे, वहाँ थे वो देखा बीच, देखा वो मोटा टावर देखा बीच का। वहाँ पे है, वहाँ पे है, बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरे पास। क्या करे क्या करे, चलते हैं उधर घूमते घूमते। घूमते घूमते चलते हैं, वहां से उधर ऊपर हो जाएंगे। वीडियो वीडियो फोटो वोटो तो पहले काटना, चलो ना बनाएंगे उधर ही, उधर ज्यादा भीड़ है। मैं बूट काल लेता हूँ इधर। तुम्हारा क्या आनंद है ना, आनंद जंक्शन, हाँ उधर भी गया था मैं। कब? मैं जा रहा था अहमदाबाद, वहीं पे उतर गया क्योंकि लेट हो गया था, मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया था, वहीं पे उतरा था। फिर उसके पीछे में एक नदी है, कौन सा नाम है उसका, कुछ तो नाम माही रिवर है शायद, माही नदी, माही नहीं महिषा था वही होगा। वहाँ पर संडे को मेला लगता है ना, लगता है नहीं है, मैं उधर ही गया था, उधर ही चला गया था घूमने के लिए। किनारे किनारे चलते हैं, किनारे किनारे चलते हैं। तुम्हारा बीच का तो कुछ नहीं होगा। ओ भाई देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उठता उसका नहीं बनेगा कैमरा, उतना नहीं है ना, नहीं बनेगा। आ रहा है देखना तो, वीडियो बन रहा है, बन ही रहा है। सही आ रहा है, सही करना नहीं आ रहा था। सही टहलते हैं यार, हमारे पास भी DSLR होता ना, मजा आता ना। तो गाइस ये था जुहू बीच, ज्यादा खास नहीं है,
ठीक ठाक है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर। आज सब बंगला ही है यहाँ, और इस साइड देख लो भाई, दिखा दे यार इस साइड, ये सब बंगले ही है। इस साइड देख लो भाई, सारे सलमान खान का, सलमान सारे एक्टर और एक्ट्रेस का, हीरो हीरोइन का सारा बंगला है यहाँ पे, और इधर ही होगा उसका भी, शाहरुख खान का तमन मन्नत है। वाह अरे वाह, कबूतर भी आते हैं यहाँ, उधर ज़्यादा रास्ता है ना कि इधर? हाँ उधर ज़्यादा रास्ता है, नहीं बन रहा क्या? बन रहा है, यहाँ बनेगा, उधर ज़्यादा रास्ता नहीं, उधर ज़्यादा। ये किसका बन रहा है ऐसे इस बीच पर? इसका जो है इस जगह का नाम है चौपाटी, है ना, चौपाटी है इस जगह का नाम, चौपाटी में है जुहू बीच। हमें रिक्शा वाला ने बताया उस साइड में ज़्यादा रश नहीं है, उस साइड में ज़्यादा रश है, आपको देख सकते हो दूर में बहुत ज़्यादा रश है, वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर एंजॉय करने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है। और दोस्तों यहाँ का पानी जो है ना इतना साफ़ नहीं है जितना पानी केरला में जो है कोवलम बीच उसका, इतना साफ पानी है, इतना ज़्यादा इसका साफ पानी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का पानी सबसे अच्छा है, मतलब क्लियर है, उसके ज़्यादा क्लियर है पानी, इसका क्लियर दिखाई पड़ता है, वहाँ का साफ पानी है, यहाँ का उतना अच्छा नहीं लगता है। गाइस अभी दोपहर के 2 बजे हैं और देख सकते हो शाम के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती होगी, पर सुबह के टाइम कहाँ ये नहीं, ये नहीं, ये अब देखियो आम नहीं देना मेरे को, इसमें डालेगा वो देखने के लिए रख रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ फोन करवा लो, वो त्यौहार आता है, त्यौहार होने के बाद हम लोग खाते हैं। अच्छा क्या दो आपको बताऊँगी, बादाम कितना करूँ, 20 का 30 का? 20 का नहीं 10 का कर दूँ, है 10 कितने का दिया जी? आ गया, आ गया, कितना की? 20 दिखा दे, दिखा दिखाओ लोग,
नमक से गला गया ना नमक रखा ही थी चल चल आगे जी देखो तो गाइस यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ और वाइफ हस्बैंड बच्चे के साथ आके सभी अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। धूप भी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर जो है ये समुद्र उसकी वजह से थोड़ा ठंडी 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 हवा चल रही है। और गाइस आपको यहाँ पर अगर आना है तो आप अंधेरी रेलवे स्टेशन अंधेरी ईस्ट रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ वहाँ से टैक्सी लेके 30 रुपये पर पर्सन लिया टैक्सी में और लगभग 10 मिनट में यहाँ पर पहुँचा दिया मुझे आप वहाँ पर पहुँचाया था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर उस तरफ वहीं से ऊपर हो जाऊँगा और फिर वापस जाऊंगा नई रेलवे स्टेशन और वहां से देखते हैं फिर कोई अगर टूरिस्ट प्लेस होगा यहां पर भी आपको जाऊंगा और आपको आपके लिए आपको दिखाऊंगा वीडियो बना के दिखाऊंगा। और भाई यहां पर बिल्डिंग पे आपको साफ़ लिखा है नो वे नो गो टेल मुंबई जुहू बीच यहाँ पर कुछ लोग होली मना रहे हैं होली खेल नहा रहे हैं यार नमकीन पानी है इसका फिर भी नहा रहे हैं बोले छोटी बिजली का तरीका देखा आपने तो कर रहा है तक सारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना तो गाइस वहाँ पर जहाँ पर मैं आया था वहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है ना। और यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी लगा हुआ है लाइट्स तो हर जगह लगा हुआ है लाइट्स तो हर जगह लगा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और भीड़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो ठीक ठाक भी बीच है। कोवालम बीच तो इसके सामने कुछ भी नहीं है कोवालम बीच तो इसके सामने कुछ भी नहीं ये बीच कोवालम बीच के सामने कुछ भी नहीं है। ऑल्सो इवन कि मैरीना बीच है जो चेन्नई का मैरीना बीच है उसके सामने भी ये बीच कुछ भी नहीं है कुछ इस तरह का है। वीडियो में पूरा घूम रहा है यह है यहाँ का रेस्टोरेंट और यह है एक्सिट हालांकि यहाँ पर बहुत सारे और बहुत सारे कल दिखाएंगे गुड बाय बाय। बहुत घूमने यार है ना बहुत घूमने
कितना लो किसका 10 का आएगा मिल जाएगा गूगल पे चलेगा गूगल पे 10 रुपये है ही नहीं झोंकने है ही नहीं पैसा रोकना नहीं है पैसा 10 का कर दो और कब नाप लेना यही अल्लाह कितने का दिया भैया 20 रुपया बिल्कुल गर्मा गर्म मिलेगा दोस्तों मैं गलत था ये 20 से 1.5 किलोमीटर में ये 2.5 किलोमीटर से यहाँ पे मुझे बहुत दूर लगा लगभग 5 किलोमीटर दूर तक है ये बीच हालांकि लगभग 3-3.5 किलोमीटर के अंदर यही लोग हैं तो गाइस बस इतना ही और आगे नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि सभी जगह पर नहीं तो यू वाले इस ब्लॉग में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जय हिंद।